अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पंजाब में वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें इसकी एडवर्टाइजमेंट्स की, तो ये एडवर्टाइजमेंट्स बहुत सही है 13 दिसंबर 2022 को। लोकेशंस की बात करें तो पंजाब है कि पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, बैचलर, लास्ट डेट इसकी 30 दिसंबर 2022। वैकेंसीज की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसीज 19 है। कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर है, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब। और इसकी वैकेंट पोजिशन की हम बात करें तो इसमें पोजिशन है असिस्टेंट स्टोवर्ड, बेकरी कुक, जनरेटर ऑपरेटर, ड्राइवर, खातिम, खतीब कुम, इमाम मस्जिद, किचन क्लीनर, स्टोवर्ड, वेटर। और इसको अप्लाई करना है क्या प्रोसेस फ्रेंड्स, आपने जो अप्लाई करना है आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ला के आपने कोरियर कर देना इनके इस एड्रेस पे। ये देखें, ये इनका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप अपना कोरियर सेंड करेंगे। और इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स देखें, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स है, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब। यहाँ तमाम पोस्टें मौजूद हैं। चुमा नंबर 1 की जो पोस्ट है स्टोवर्ड की है, पीबीएस की बात करें तो 10 है, टोटल असामी इसमें 5 है। उम्र की बात करें तो 23 से 28 साल है, 45 साल अगर आर्मी से रिटायर हो तो। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बैचलर डिग्री है। शुमा नंबर 2 की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है बेकरी कुक की है, पीबीएस इसका 9 है, टोटल पोस्ट है इसमें 1 है। एज लिमिट की बात करें तो 25 से 45 साल है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें सेकंड स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन से हो। शुमा नंबर 3 की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है हेड ड्राइवर की है, पीबीएस इसका 9 है, टोटल पोस्ट है इसमें 1 है। एज लिमिट की बात करें तो 25 से 45 साल है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मिडल पास है, एचटीबी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए। शुमा नंबर 4 की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है खतीब कम इमाम की है, पीबीएस इसका 9 है, टोटल पोस्ट इसमें 1 है। एज लिमिट की बात करें तो 25 से 35 साल है। क्वालिफिकेशंस की बात करें शुदा अलामिया जिद वफा की अल मदारिस मुनीफ या किसी के मसावी काबिलियत जो आला तालीम कमीशन से मंजूर शुदा हो। शुमा नंबर 5 की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट स्टोवर्ड की है, पीबीएस इसका 7 है, टोटल पोस्ट इसमें 4 है। एज लिमिट की बात करें तो 23 से 28 साल है, 45 साल अगर आर्मी से रिटायर हो तो। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बैचलर डिग्री है। शुमा नंबर 6 की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है वेटर की है, पीबीएस इसका 5 है, टोटल असामी इसमें 3 है। एज लिमिट की बात करें तो 23 से 28 साल है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए सेकंड डिवीजन से। शुमा नंबर 7 की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है जनरेटर ऑपरेटर की है, पीबीएस इसका 5 है, टोटल असामी इसमें 1 है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 साल है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मैट्रिक पास हो सेकंड डिवीजन से। शुमा नंबर 8 की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है किचन क्लीनर की है, पीबीएस इसका 5 है, टोटल असामी इसमें 1 है। एजिमेट की बात करें तो 25 से 35 साल है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें मिडिल पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और मतलू का शुबे में 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। शुमा नंबर 9 की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है मौजिम खातिम की है, पीबीएस इसका 4 है, टोटल सामी इसमें आएंगे। एजिमेट की बात करें तो 18 से 30 साल है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो प्राइमरी पास हो, बीमा नाजरा कुरान और इस्लामी तालीमात का बुनियादी इल्म, बीमा इस्लामी इबादात से लगन और इसकी पाबंदी। शुमा नंबर 10 की बात करें तो इसमें पोस्ट है पर्चा अर्दाली की है, पीबीएस इसका 4 है, टोटल पोस्ट इसमें 1 है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 साल है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें मिडिल पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उसको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर फ्रेंड्स, आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने तालीम काबिलियत, दो आदत, पासपोर्ट साइज तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और तजुर्बे के सर्टिफिकेट आपने मुंसलिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और देखें, ये कह रहे हैं सिर्फ पंजाब डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार दरख्वास्त देने के अहल हैं। हर असामी के लिए अलग अलग लिफाफे इस्तेमाल करें और डाक लिफाफे पर असामी का नाम, मुकम्मल पता, बीमा फ़ोन नंबर नुमाया तौर पर ज़रूर लिखें। दरख्वास्त वसूल करने की आखिरी तारीख है 30 दिसंबर 2022। आपको TDA नहीं देंगे, सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कॉल करेंगे टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। और फ्रेंड्स, ये इनका एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपने अपना कोरियर सेंड करना है। फ्रेंड्स, ये इनके इंस्ट्रक्शंस थी, मैंने इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दी हैं, बाकी इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है अप्लाई करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब अपने साथ के अपना खास ख्याल रखिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।